अयोध्या को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाने का सबसे बड़ा श्रेय अंग्रेजों को जाए। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एवर लैंड लीगल केस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। चारों तरफ से 500,000 लोगों ने पूरा मंदिर घेर रखा है और यहाँ पर हम लोग वहाँ जाने में सक्षम नहीं, इसलिए मूर्ति पर हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है। कितने हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि हम रामलला के सामने खड़े हो और हम उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, वो नारा बदल जाता है और ये नारा हो जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब उन्होंने निर्देश दिया, जाओ एक सूट फाइल करो, मैं हूं राम लल्ला विराजमान, आई एम ए जुरिस्टिक पर्सन और मैं इस तमाम संपत्ति का मालिक हूं। इतने लोग खड़े होकर के सांस ले लिया तो ढांचा गिर गया, उसमें हम लोग क्या दोष है। हाँ ये है कि अगर वहां पे गोली चलाते तो बहुत बड़ा नरसंहार तो होता ही होता पहला राउंड में, लेकिन दूसरे राउंड में कोई पुलिस वाला बचता नहीं। That was the only Muslim who had participated in that excavation. क्योंकि तमाम ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां और तमाम ऐसे मंदिर के अवशेष निकले थे जिसे मैंने कैमरे में कैद किया था। हमारे हिंदू वकील हमारे सारे हिंदू हैं, पटेल्स कैन बी सिट। इतिहास काल में, बाबर के समय काल में, बाबर ने आदेश जारी किया कि किसी भी प्रकार से जो मेन मेन टेंपल हैं, मुख्यालय हैं, वो उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो उसने अपने सलाहकार, अपने मंत्री मीर बाकी को लगा दिया। ये प्रयास किया गया कि इसको नेस्तनाबूत कर कर ढांचा तोड़कर मंदिर का और वहां पर मस्जिद स्थापित कर दें। बट देर इज अनदर अकाउंट बाय द ग्रैंड डॉटर ऑफ औरंगजेब, विच इज वन ऑफ द अदर रिकॉर्डेड एलिमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ बाबरी मॉस्क। इसको कहते हैं साइफा चहल नसाई बादशाह साही। It was the daughter of Bahadur Shah I and granddaughter of Aurangzeb. Early 18th century में उन्होंने temples कहा है कि temple जो थे मथुरा, बनारस और अयोध्या ये तोड़े गए थे। 1528 में मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद पे पत्थर लगा हुआ था। 1528 में बाबर के हुकूम से ये मस्जिद बनाई गई है। तमाम सारे पत्थर थे, कलमा लिखा था, अल्लाह अकबर लिखा था, जो बाहरी गेट था वहाँ भी जगह जगह अल्लाह अकबर लिखा था। जितने हमारे देश में जितने हिंदू हैं उनकी राम की आस्था और राम की जानकारी ये सारी रामचरितमानस से आती है। ज्यादा वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़ पाते, संस्कृत कोई पढ़ता नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ अ मॉस्क इन सरप्राइजिंगली इन तुलसीदास टाइम। जो सबसे लास्ट बुक है जिसको रामचरितमानस कहते हैं, ये अयोध्या में बैठ के दतून कुंड एक तालाब है वहां बैठ के लिखी गई है मोस्ट पार्ट, और वो बाबरी मस्जिद बनने के बाद की किताब है। उसमें उन्होंने नहीं कहा कि ये मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाया गया है। ये एक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम, देयर इज वन ह्यूज डेफिशिएंसी इन इंडिया दैट वी हैव नॉट रिटन अवर हिस्ट्री वेरी वेल। आई थिंक इट इज ऑल्सो दैट वी वर सो कॉट अप इन अवर कास्ट वॉर्स एंड इनर डिवाइड। हम कहते हैं टुडे इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन वाज देन ऑल्सो पावर। वन ग्रुप ऑफ पीपल हैड इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता था, तो वो हिस्ट्री लिखता नहीं था, मुंह जबानी अपने बच्चों को ट्रांसफर करता था, सो दैट ओनली दे विल रिमेन पावरफुल। 1608 में एक ब्रिटिश पर्यटक जो विलियम फेंच पूरे भारत का दौरा कर रहे थे, वो पर्यटन के लिए आए थे, वो अयोध्या भी आए थे, बनारस भी गए थे, अयोध्या भी आए थे।
अयोध्या में उन्होंने देखा कि साहब एक मंदिर जो है धराशायी कर दिया गया है, और जो उसका मलबा था औरतें महिलाएं जाती हैं वहां पर उसकी पूजा करती हैं, तो उन्होंने लोगों से पूछा साहब ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये साहब ये राम जन्मभूमि है और ये पहले यहाँ पर मंदिर था लेकिन 1528 में इसको ढहा दिया गया। तो लगभग 80 साल बाद वो भारत आए थे, तो उसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक जो किताब लिखी है उस पर किया है, वो अभी भी उपलब्ध है। जयसिंह जो है, सवाई जयसिंह जो है जयपुर के राजा, उन्होंने औरंगजेब के समय में उनको जमीनें मिली थी बहुत सारे शहरों में, अयोध्या में, लखनऊ में, बनारस में, तमाम जगह पे औरंगजेब ने दी थी, और उस समय पे उन्होंने जयसिंहपुरे बनाई थी, और उन जयसिंहपुरे में का एक पुराना एक अभिलेख है, एक मैप है जो कि जयपुर में कपाड़द्वार जो सिटी पैलेस है उसमें रखा हुआ है, वो एकमात्र एक डिस्क्रिप्शन है जो ओल्ड वो है, क्योंकि 1600 या 1700 के बीच का कुछ होगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक मैप मिलता है जिसमें देखने को मिलता है कि एक मॉस्क है जिसकी बाउंड्री है, उसके अंदर एक सब बाउंड्री है और उसके अंदर एक चबूतरा है, चबूतरे के एक तरफ सीता रसोई है, सिंह द्वार है, हनुमान द्वार है, वरह भगवान है, राम चबूतरा है और मॉस्क। हुआ ये कि 1853 में जो हिंदूज थे और स्पेशली आम नागास जो थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका कॉन्सेंट्रेशन था, उन्होंने बाबरी पे कब्जा करने की कोशिश की। दैट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू टेक ओवर द मॉस्क, और उसको लेकर के लगातार 2 साल तक छोटे मोटे बड़े स्कर्मिशेज होते रहे, और वो स्कर्मिशेज जब थे, जब वो बढ़ते रहे, तो पीपल ट्राई टू गेट कि हमको परमिशन मिल जाए मंदिर बनाने की, ये नहीं हुआ। इवेंचुअली द ब्रिटिश रियलाइज्ड बाय 1855 कि ये झगड़ा जो है जब तक डिमार्केट नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा, लेकिन उसमें मेरे को लगता है कि ब्रिटिश इसको रिजॉल्व कर सकते थे, यानी दे कुड हैव रिमूव्ड द चबूतरा, मेड इट एडजेसेंट टू इट, मगर ब्रिटिश जो थे वो इस देश में ऑनरेबल लॉ के लिए नहीं आए थे, रूलिंग के लिए नहीं आए थे, वो उनकी इंटेंट डाउटफुल थी, दे वॉन्टेड टू कीप द नेशन डिवाइडेड, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नींव डाली कॉन्फ्लिक्ट की कि बाबरी मॉस्क के अंदर, प्रेसेंट के अंदर जो एक चबूतरा था उसको एक अलग फेंसिंग दे दी, एक आउटर फेंसिंग दे दी। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि जब एक ही जगह पे दो कंटेस्टिंग पार्टी, एवरी डे 2 कंटेस्टिंग पार्टीज एंटर विद द नॉइजेज, यू नो टुडे यू हैव कि सुबह माइक्रोफोन पे चिल्ला के कोई कह रहा है कि अजान दे रहा है, कोई कीर्तन बजा रहा है, तो उन्होंने वो लड़ाई कराने का, जो अयोध्या को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाने का सबसे बड़ा श्रेय अंग्रेजों को। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स इन द कंट्री एंड द लॉन्गेस्ट एवर लैंड लीगल केस ओवर ए पीस ऑफ लैंड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। कितना साल आज तक कोई लैंड केस नहीं चला इस देश में कोर्ट्स में, जितना बाबरी मस्जिद की वो छोटी सी उस टुकड़ी के लिए चला है। यू सी 1857 की जब बगावत हुई इस देश में, तो जो बागी थे स्वतंत्रता के लिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लड़ने वाले, दे वर टारगेटिंग द ब्रिटिश, सो सम लोकल लैंडलॉर्ड्स ऑफ अयोध्या दे सेव्ड सम ऑफ द ब्रिटिश, तो एक उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया, और उस कर्ज में यह हुआ कि 1858 के करीब में एक चबूतरा बना दिया गया 17x12 or 6 feet, उस चबूतरे का निर्माण उस समय पर आ गया और अंग्रेजों ने उसको अनदेखा कर दिया। इवन बिफोर द चबूतरा वॉज बिल्ट पीपल यूज टू कॉल इट जन्मस्थान। इनफैक्ट इस मस्जिद को जो वहां खड़ी थी, बाबरी मस्जिद जिसे हम लोग कहते हैं, ये बाबरी मस्जिद अयोध्या के पुराने लोगों के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द 19th century, इट वॉज नॉट बाबरी मस्जिद, इट वॉज कॉल्ड मस्जिद जन्मस्थान। जब 1880 के दशक में, 1880 से के दशक में वहाँ पे एक मंदिर थी निर्मोही अखाड़ा की, उस मंदिर में पुजारी और बाबाओं के बीच में कुछ कहासुनी को लेकर के मारपीट हुई, पुजारी को बाबाओं ने निकाल दिया, तो चूंकि वो पूरी जिम्मेदारी डॉक्यूमेंटल वहाँ पे अच्छन खां की थी, अच्छन मियाँ की थी, अच्छन मियाँ के पास वहाँ मस्जिद वाले नमाज पढ़ने गए, अच्छन मियाँ के पास जो पुजारी आया उन्हें लगा कि बाबू हमको तो बाहर निकाल दिए हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ, हमारी उम्र ये 60-65 की हो गई, मैं कहें, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप कहीं मत जाओ,
सामने यहीं पे अपना बैठना चाहे तो यहीं बैठ के मैं यहीं बैठूंगा। उसके बाद में पुजारी ने कहा कि बाबू मुझे धूप लगती है, बारिश होती, पानी होती है, कहीं ठीक आप कुछ कर लो इतने। फिर छपरा डाल दिया गया। काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद में कुछ दिन बाद चूँकि पुजारी बूढ़े थे वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद में जो मंदिर के लोग थे उन्होंने कहा कि ये जगह मेरी है, मेरा पुजारी यहाँ रहता था, उनका कब्जा था। तो बोले भाई आपकी तो नहीं है, पुजारी को तो मैंने ऐसे ही दिया था, आप लोग निकाल दिया था। बहरहाल उस पर वो लोग काबिज हो गए और उसके बाद में पूजा पाठ वहाँ पे शुरू करने लगे। फिर ये लोग नहीं माने और जा करके लोअर कोर्ट में इन्होंने मुकदमा किया कि हमको इस पर छत डालनी है। फिर वहाँ से इनको ये मिला कि आप इस पर छत नहीं डाल सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके नहीं है। ये पूरे अयोध्या में वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय को सुरक्षा के लिए अखाड़ा बना। अखाड़ा में निर्मोही निर्वाणी दिगंबर, निर्मोही अखाड़े को राम जन्मभूमि मिला था। निर्मोही अखाड़े की संपत्ति हमारे दादा गुरु के नाम थी, महंत रघुनाथ दास जी के नाम। 27 जनवरी 1885 रघुवर दास ने जाकर के जो महंत थे चबूतरे के, उन्होंने जाकर के पहली बार एक सिविल सूट फाइल किया फैजाबाद। I'm talking 1885. 1885 में उस वक्त हाईकोर्ट नहीं हुआ करता था, कमिश्नर जुडिशियल कमिश्नर हुआ करता। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट पेश किए कि हमको यहाँ पे इस चबूतरे पे मंदिर बनाना है। बोले कि आप मंदिर नहीं बना सकते महाराज, क्योंकि ये ज़मीन मुसलमानों के नाम से है, मस्जिद के नाम से है, मस्जिद अहद शाही उसमें 580 नंबर दर्ज है, चूँकि उसके चारों तरफ कब्रिस्तान और मस्जिद की 13 कब्रिस्तान 5 मस्जिद 3 दरगाह थे पूरे 67 एकड़ आयरलैंड में, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो उन्होंने वहाँ से 1885 में हार गए। मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि ये बाबर के सपह सलार मीर बकी का बाबर के निर्देश पर बनाया हुआ मस्जिद है जिसमें नमाज होती रही, और ये मस्जिद के बारे में 1885 में रघुवर दास से जो अखाड़े निर्मोही के मान से मुकदमा चला उसमें मस्जिद माना गया और निर्मोही अखाड़े का कब्जा जरूर माना गया, निर्मोही अखाड़ा बेदखल नहीं किया गया। उसके बाद ये हुआ कि जब सूट डिसमिस हो गया तो वो लोग पुनः पहले गए थे सब जज हरिकृष्ण जी के पास, उसके बाद वो गए 18 मार्च 1886 में 1886 मार्च 18 डिस्ट्रिक्ट चर्च उस नेम वॉज F.E.A. चैमियर, और वहाँ जाकर के उन्होंने फिर से अपील करी कि ये ज़मीन हमारे को दे दीजिए साहब, प्लीज़ गिव अस दिस लैंड, इट्स अवर टेम्पल लैंड, इट्स अवर मैटर ऑफ फेथ। इट वॉज अगेन डिसमिस्ड। कहा यह जा रहा था, उनका हमेशा कहना आया था कि जो मॉस्क है वो उस लैंड पे बनाए जो कि सेक्रेड है। तब जो जज साहब डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही विच आई थिंक वेरी फ्यू पीपल नो दैट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम that somebody in authority in of legal, judicial or administrative admitted to the fact on record that this place is a sacred place for Hindus. That was the first time. And what F.E.A. Chamier, the district judge, said that the mosque is built on a land sacred for Hindus. Mosque is built on a land sacred for Hindus. Ye pehli baar kisi record mein sarkari entity ke dwara aaya. But then he says but it is too late to be remedied. इस चीज को रिवर्स करना या पलटने के लिए it's rather too late. 1898 में जब उसी मंदिर के बारे में दावा, उसी इमारत के बारे में दावा दायर किया गया कि हाँ हमको मंदिर, यानी उनका कोई झगड़ा नहीं था कि हाँ मस्जिद वो मस्जिद न आए बल्कि मस्जिद के बाहर हमको मंदिर बना लेने, वो मुकदमा इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया। उसमें सिविल जज भी नान मुस्लिम थे, डीसी जज भी नान मुस्लिम थे और हाईकोर्ट के जजेस भी नान मुस्लिम थे, तीनों का कॉन्करेंट फैसला है। फिर एक मुकदमा वहाँ पे हुआ था 1902 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जन्म स्थान जाने के लिए एक पत्थर लगाया गया था, तो उस पत्थर मस्जिद की दीवार पे लगा हुआ था, मस्जिद दीवार पे लगा कर रखा गया था। तो उस पर लोगों ने एतराज़ किया कि मंदिर का जाने का रास्ता है पत्थर है तो मस्जिद की दीवार में क्यों लगाए। इसके लिए फिर कोर्ट केस चला, कोर्ट में 1903 में जजमेंट आया कि ये मस्जिद है और मस्जिद का हिस्सा मस्जिद का ही रहेगा, पत्थर लगाने का महज सिर्फ देखने के लिए पत्थर है, अदरवाइज मस्जिद से पत्थर का कोई वो नहीं है। The dynamics of Babri as a dispute is concerned was on the 27th of March 1934.
दैट डे देयर वाज अ राइट। 34 के राइट में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। शाहजहांपुर में एक गांव है, वो पैगलमा रोड पर पड़ता था, जहाँ एक गौ कच्चे की घटना हो गई। वो आफा तूफान की तरह फैला अयोध्या में, और यहाँ के बाबाओं ने हमला करके 14 मुस्लिम घरों को जला दिया और जन्म ये डैमेज भी हुआ मंदिर वाला मस्जिद पोर्शन। 1934 चेंज जब दंगा हो गया वहाँ पे, उसके बाद पहली बार दिस एलिमेंट दैट नाउ वन विल सी अ सर्टेन डिग्री ऑफ मोर एग्रेशन, वो एग्रेशन जो है वो उस तरीके से आया। एक फिर मुकदमा चला 1946 में, क्योंकि मस्जिद बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने बनवाया था बाबर के कहने पर, तो लोग शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि ये मस्जिद मेरी है। सुन्नी समुदाय के लोग कहने लगे मस्जिद मेरी है, जबकि सुन्नी समुदाय के लोगों ने फिर मुकदमा चला, बोले कि अब कैसे इस चीज़ को साबित करें कि ये सुन्नी की मस्जिद है या शिया की मस्जिद है। तो बहुत परेशान हुए। फिर रमज़ान शरीफ का दिन था, रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज़ को लेकर कि तरावी की नमाज़ शिया भाई की मस्जिदों में नहीं होती है, वो सुन्नी की मस्जिदों में होती है, तो उस तराबी को लेकर के उसकी फुटेज पूरी बना करके वो जाकर कोर्ट में दाखिल किया गया। तो 1946 में कोर्ट में ये केस जीता गया कि ये मस्जिद सुन्नी समुदाय की मस्जिद है, शिया समुदाय का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो रूल आया फिर, रूलिंग थी कमिश्नर की, वही थी कि ये बनाई मीर बाकी ने होगी, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मीर बाकी होंगे, मगर इसका जो फंडर और ओरिजिनल आइडिया था वो बाबर का था। And since Babur was a Sunni, this land will remain a Sunni Waqf property, and that is why who represented the Muslim side? It was a Sunni personal law. Hindustan ke andar bahut sare tufan aa chuke the, aur sabse bada tufan tha partition of India. Jo partition tha, usne bahut sare victims chhod diye is desh ke, aur dono side. कुछ लोगों के रिलेटिव जो मुस्लिम्स के थे यहाँ से बाहर जा रहे थे वो मारे गए, कुछ लोगों के रिलेटिव जो बाहर से यहाँ आ रहे थे वो मारे गए, और कुछ लोग जो आपस में यहाँ भिड़ गए एक दूसरे में वो मारे गए। तो इंडिया हैड अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर, यानी बिल्कुल उपयुक्त उपजाऊ ज़मीन बन गई थी एक कम्यूनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। बट इन जून 1948 कांग्रेस वॉज यूजिंग रिलीजन फॉर इलेक्शंस। तो जब चुनाव में कांग्रेस ने एक महाराष्ट्र से आए समाज सेवी बाबा राघवदास, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, और बाकायदे उन्होंने कहा कि प्रतंत्रता के इस स्मारक को हम मिटा देंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे। बाकायदे एक लिखित घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया और लोगों से वादा किया। सो पहली बार महंत ने भी चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट। सो अ महंत कंटेस्टिंग, अ रिलीजियस मैन कंटेस्टिंग election in India was also on Congress ticket. अगर ये 48 से 49 के बाद का जो पीरियड देखें, तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न आता है कि कांग्रेस की राजनीति ने और कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म ने एक, जिसे कहते हैं हिंदी में, पथ प्रशस्त किया। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदूज गेनिंग कंट्रोल ऑफ द बाबरी मॉस्क। बाबा राघवदास ने बाकायदे प्रण ले लिया था कि साहब हमें गुलाम परतंत्रता की इस स्मारक को हटा देना है, ये बाकायदे उन्होंने घोषणा की थी, जनता के बीच भाषण दिया था उन्होंने, गोविंद वल्लभ पंत के सामने दिया था उन्होंने भाषण, ये कि हम वादा करते हैं कि इसको हटाएंगे। 1949 अक्टूबर 20th को एक सबसे क्रिटिकल डे आता है, विच वी आई विल से द फर्स्ट डे फॉर द प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलिंग द स्टैच्यूज, जब एक रामचरितमानस का 9 दिन का पाठ जो है वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के जन्मोत्सव स्टार्ट किए गए। पहले होता था, ये हनुमान जन्मोत्सव बनता था हनुमानगढ़ी में, मगर स्केल नहीं होता। अब उसके पीछे ऑल इंडिया रामायण महासभा भी थी, और उसके पीछे पावर थी ऑल इंडिया हिंदू महासभा की, और हिंदू महासभा की पावर होने के कारण उसका स्केल बड़ा हो गया, और उस स्केल में बड़ा होने में एक पहली बार हनुमानगढ़ी के अंदर हनुमान जन्मोत्सव में एक चीज़ हुई, एंड दैट वॉज कि वहां पे एक पब्लिक मीटिंग हुई। ये रिमेंबर दिस डेट, एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस शुड रिमेंबर दिस डेट, 20th of October 1949, जहां पे बहुत सारे रामानंद वैरागी जो होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं वो आए हुए थे, तिलक लगा हुआ था, भास्कर दास जो कि निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे वो थे,
तमाम लोगों ने भाषण दिए, दिग्विजयनाथ थे जो योगीनाथ के गुरु थे, और राघव दास जी थे। राघव दास जी जो कांग्रेस के एमएलए थे, वहां पे एक अनाउंसमेंट हुआ कि एक बिल्कुल वैसा ही नवा पाठ, 9 दिन का पाठ होगा, वो 24 नवंबर 1949 को और वो वहां पे जब होगा तो वो राम चबूतरे पे होगा। सो द वेन्यू चेंज फ्रॉम हनुमानगढ़ी टू राम चबूतरा। इसके बाद विवाद चलता रहा, वो चुनाव आचार्य नरेंद्र जैसा जो समाजवादी चिंतक था वो चुनाव हार गए और बाबा राघवदास चुनाव जीत जाते हैं। बस उसके बाद वो अपना वादा पूरा करने के लिए एक दिन सरयू के तट पर 5 लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें बाबा राघवदास थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, वो महंत वैद्यनाथ थे जो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, वो भी आए थे वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर 5 लोगों ने एक सरयू का जल लिया और वहाँ सौगंध खाई कि साहब वहाँ पर हम मंदिर निर्माण करेंगे। और रात के अंधेरे में, उस समय इतनी बिजली नहीं थी, इतना सब कुछ संसाधन नहीं थे, रात को अंधेरे में चुपचाप ये अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ बढ़े, बाबरी मस्जिद उस समय थी, बाबरी मस्जिद ढांचा की तरफ बढ़े। डिस्प्यूट की शुरुआत हुई 22/23/1949 को। इट इज सेड कि वहाँ रामलला प्रकट हुई है। जो गुरु महाराज जी श्री अभिराम दास जी महाराज जी ने उस जगह जहाँ पर विवादित ढांचा था वहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या से रामलला को प्रकट किया था। कहावत है कि जब सैया भाई कुतवाल तो डर काहेगा। तो उस टाइम पे सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज फेवरेबल टू द हिंदू एक्टिविस्ट्स, द पुलिसमैन लुक्ड आउटसाइड। रात की ड्यूटी में जो पहले थे वो हिंदू थे, इसलिए 12 बजे तक वेट करना, क्योंकि उसके बाद एक मुस्लिम सज्जन की वहाँ पुलिस वाले की ड्यूटी थी अंदर के कंपाउंड में। वहाँ पर पहले से ही सारा व्यवस्था कर रखी थी लोगों ने, तो बाकायदे वहाँ पर उसका जो जिसकी ड्यूटी चेंज होनी थी उसकी ड्यूटी चेंज नहीं हुई, और वो उन्होंने कहा कि साहब इसको खोलो, और खोलने के बाद ये कहते हैं कि वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो गई। सुबह जब लोग जगे तब देखा कि वहाँ घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, पूजा हो रही है। और इसको लेकर के जब वहाँ के नैयर साहब, वहाँ के डीएम थे, उन पर काफ़ी दबाव था कि साहब ये मूर्तियाँ हटाई जाएं। अब ये कह रहे थे कि स्वतः प्रकट हुई हैं, रामलला स्वतः प्रकट हुए हैं। 22 दिसंबर की सुबह से यानी 23 की सुबह 4 बजे से वहाँ बजना शुरू हो गया कि रामलला आए हैं, रामलला आए हैं, रामलला आए हैं, और लोग वहाँ शहर भर से अयोध्या से इकट्ठा होना शुरू हुए। उस समय यहाँ पर के नायर जहाँ जिलाधिकारी थे, मेरे ग्रैंडफादर अगर गुदर से यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट थे, वीर सिंह जी यहाँ पर जिला जज थे, और कृपाल सिंह यहाँ पर पुलिस में कप्तान थे। यहाँ पर इन लोगों की आपसी सहमति थी जिसके आधार पर बाबा अभिराम दास को भी शामिल किया गया था इसमें, और इन सबके ऊपर अगर किसी का हाथ था तो वो था गोरखपुर के पीठाधीश्वर उस समय के महंत दिग्विजयनाथ जी। इन लोगों की आपसी सहमति से इस काम को आगे बढ़ाया गया था कि भगवान रामलला की मूर्ति कैसे वहाँ प्रकट हो, कैसे स्थापित की जाए, क्या किया जाए, उसी के अनुसार आगे काम हुआ था। बाबरी मस्जिद को 49 से पहले कोई भी हिंदू भाई उसको जन्मभूमि नहीं कहते थे, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट जन्म स्थान था। 49 में जिस वक्त मूर्ति रखी गई उसी के बाद से जन्मभूमि कहने लगे। ये जो उत्पत्ति हुई राम जन्मभूमि की, ये 22 से 23 दिसंबर की रात 1949 में जब स्टैचूज कहा गया कि मिराकुलसली अपीयर हुई इनसाइड द मॉस्क, ये उससे कुछ दिनों पहले कोइंसिडेंटली मैंने कहा ना कि सब ने बेनिफिट किया, तो कांग्रेस के ही एक एमएलए थे जिनको कि जिनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था हिंदू महासभा से, उन्होंने इस जगह को पहली बार अपने भाषण में वक्तव्य में राम जन्मभूमि का नाम दिया। इट वॉज समटाइम इन 1949, बिफोर दैट मोर कॉन्स्टेंटली इट वॉज नोन एज राम जन्म स्थान। और उसके बाद उसकी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1949 को एक कॉन्स्टेबल ने किया, नॉट बाई मुस्लिम्स। द रिमार्केबल पॉइंट इज दैट द कॉन्स्टेबल वॉज ब्राह्मण, और कॉन्स्टेबल ने कहा कि हिंदुओं ने किए, एक जमात ने
आके वहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब मुसलमान डर के मारे कोई जाता नहीं। तो वहाँ पे थाने बगल में चूंकि पहले राम जन्मभूमि थाना नहीं, राम वहाँ टेढ़े बाजार चौकी हुआ करती थी, राम जन्मभूमि चौकी, उस चौकी उनके सामने थी। उस चौकी में जा करके तुरंत एफ आई आर दर्ज कराया गया कि इसी तरह थे। रामदेव का वहाँ पर बयान दर्ज हुआ कि आपके सामने मूर्ति रखी गई, कि हाँ साहब रखी गई है मेरे सामने। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उस वक्त चार पिटिशनर थे, हाजी फेकू, हाजी फायक, जहूर मियाँ, अच्छन मियाँ। इन चार लोगों के नाम से सन 49 में मुकदमे दायर हुए। ये पुलिस रिकॉर्ड में है कि पुलिस रिकॉर्ड में जो बरकत जी जो पुलिस वाले थे उनका बयान है, वो डर गए थे। साफ बात है कि बहुत डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे अंदर जो बैठे हुए लोगों हैं उन कौन है। उनको देख करके वो समझते थे कि ये समझ गए होंगे कि ये वैरागी हैं, और उनसे रात में उनके खिलाफ हल्ला करना, एक्शन लेना खतरनाक हो सकता है। तो बरकत साहब जो हैं, उन्होंने बाद में जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत दिव्य ज्योति दिखाई दी मस्जिद के अंदर, और उस दिव्य ज्योति में कुछ लोग दिखे, लेकिन बाद में मैंने देखा तो वहाँ पे मूर्ति पड़ी हुई थी। तो अपने डर के कारण उन्होंने वो बात कही जो कि हिंदू पक्ष चाहता था। अल्टीमेटली प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 145 CRPC वेर इनिशिएटेड, और 29 दिसंबर 1949 को 145 की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 145 SDM करता है, सिटी मजिस्ट्रेट थे उस समय। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया, उस समय नगर पालिका फैजाबाद के चेयरमैन थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया रिसीवर, और उनसे कहा कि आप यू जस्ट प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज जो वहाँ मौके मिला है। मौके पर घंटा, घड़ियाल और सब दुनिया भर की चीज़ें मिली हैं, सब आल हिंदूज रिलीजन के। और फिर 5 जनवरी 1950 को इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, और उसके बाद ये हुआ कि नो मुस्लिम इज़ परमिटेड टू इंटर द प्रमिसेस, हिंदूज पूजा पाठ जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहे। ये लोगों को क्लियर होना चाहिए कि बाहर एक चबूतरा था, राम चबूतरा कहलाता था, एंड अंदर देयर वाज इनसाइड देयर वाज अ मॉस्क व्हिच हैड अ रामलला स्टैचू इन इट, प्लेस्ड इन 1949 22nd 23rd December की रात को, वहां पूजा नहीं होती। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा, पत्र ये लिखा कि गोविंद वल्लभ पंत को तत्काल मूर्तियां हटाई जाए, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि ये मैं प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन ये मैं वादा नहीं करता आपसे। अब इससे कांग्रेस की दो विचारधाराएं आपको सामने दिखती है। पंत जी ने आदेश किया फैजाबाद जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने कहा साहब कि चारों तरफ से 5,500 लोगों ने पूरा मंदिर घेर रखा है, तो यहाँ पर हम लोग वहाँ जाने में सक्षम नहीं, इसलिए मूर्ति पर हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो पंत साहब खुद वहाँ से चले लखनऊ से फैजाबाद आने के लिए, जहाँ पे हम खुद चल के उसको मूर्ति को हटवाते हैं। फैजाबाद के बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया, वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर गया उनको रोकने के लिए, और उन्होंने कहा कि इस समय यहाँ की स्थिति नियंत्रण में नहीं है, 5,500 लोगों ने पूरे अयोध्या को घेर रखा है, और लोगों को मालूम हो गया है, पूरे देश में चर्चा हो गई है कि भगवान राम प्रकट हो गया है, और ये भी जनता को मालूम हो गया है कि शासन और प्रशासन के लोग मिलकर मूर्ति को हटाना चाहते हैं। ऐसे में कुछ भी गलत होगा तो इसका हर्ष खाली अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, कत्लेआम शुरू हो जाएंगे, बहुत से लाखों बेगुनाह मारे जाएंगे, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और ना हम चाहते हैं आप वहाँ जाएँ, क्योंकि आपको सुरक्षा दे पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये कह के उन्होंने मुख्यमंत्री को फैजाबाद के बॉर्डर से वापस लौटा दिया था। मुख्यमंत्री ने भी जाते जाते कहा कि ठीक है हम जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही अधिकारी रहेगा जो रामलला की मूर्ति को हटाएगा या मुझको जो अंदर सुरक्षा दे पाएगा। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी प्लेस, उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत वॉज द चीफ मिनिस्टर। डू यू नो द होम मिनिस्टर वॉज? होम मिनिस्टर वॉज लाल बहादुर शास्त्री। सो इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। जवाहरलाल नेहरू आफ्टर 22nd 23rd, इफ सम वैरागीज हैड प्लेस्ड द स्टैच्यू, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेल्पिंग देम, द चीफ मिनिस्टर वॉज नॉट एक्टिंग अगेंस्ट देम, द सेंटर कुड हैव डिसमिस्ड द गवर्नमेंट, एंड बाय सैकिंग द गवर्नमेंट द सेंटर कुड हैव टेकन चार्ज, द गवर्नर कुड हैव टेकन चार्ज ऑफ द स्टेट, एंड परहैप्स द मॉस्क कुड हैव बीन रिस्टोर्ड टू अ मॉस्क, बट दैट नाइट द हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द मॉस्क। मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ दो ऑर्डर किए,
एक तो उन्होंने ऑर्डर किया धारा 144 लगाई और दूसरा आदेश उन्होंने किया कि जो भगवान राम प्रकट हुए हैं उनकी पूजा अर्चना और भोग की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। ये दो आदेश करने के बाद फिर उन्होंने खुद ही अपना रिजिग्नेशन दे दिया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी दबाव डाला तो नैयर ने इस्तीफा दे दिया और नैयर ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा साहब मैं मूर्ति नहीं हटा सकता हूँ और उन्होंने इस्तीफा दिया। बाद को वो कई बार सांसद हुए थे तो ये सारा कुछ चला। तो वहाँ से उसके बाद जब बहुत दबाव पड़ा और मामला कोर्ट में गया तो प्रशासनिक आधार पर वो उसमें तालाबंद कर दिया गया। 1949 इज अ मिड जर्नी। इट वॉज वन ऑफ द वॉटरशेड मोमेंट इन द बाबरी डिस्प्यूट एंड आफ्टर दैट द डिस्प्यूट वॉज नेवर द सेम। पहले एक याचना होती थी हिंदुओं की कि प्लीज यह हमें दे दीजिए। 49 के बाद जब रामलला की स्टैच्यू अंदर इंस्टॉल हो गई उसके बाद मुस्लिम्स वर प्लीडिंग कि ये हमारी है ये हमें दे दीजिए। तो ये एक बैलेंसिंग डिफरेंस है। पुलिस की रिपोर्ट पर यहाँ मुसलमान इसको अपनी मस्जिद कहते हैं, वो हिंदू अपना मंदिर कहते हैं। डिस्प्यूट पैदा हो गया तो अटैचमेंट का ऑर्डर पास हो गया कि नई संपत्ति में आप आ सकते हैं ना आप आ सकते हैं। दोनों पार्टीज को रिस्ट्रेन कर देते हैं और वो सरकार अपनी कस्टडी में ले लेती है। अटैचमेंट तीनों गुंबज को हुआ था और आउटर कोटवार और कोई जमीन का नहीं हुआ था। आउटर कोटवार में राम चबूतरा मंदिर से जहाँ 1885 को हम निर्मोही अखाड़ा मुकदमा लड़कर जीता था कब्जा माना गया। निर्मोही अखाड़ा जो था वो वहाँ पर मेन उसके रक्षक मानी जाती थी। अखाड़े बनाए जाते थे तो मठों मंदिर की रक्षा करने के लिए अखाड़े बनते थे। निर्मोही अखाड़ा का क्लेम था कि साहब इसको बना करके हमको दे दिया जाए। इसी बीच गोपाल सिंह विशारद एक एडवोकेट थे एंड रेजिडेंट ऑफ अयोध्या, उन्होंने फर्स्ट सूट फाइल किया। दैट वाज 1950 और उसमें 16/1/1950 को एक इंटरिम ऑर्डर हुआ। इंटरिम ऑर्डर ये हुआ, अंतरिम आदेश उसमें ये हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हिंदूज जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। और गोपाल सिंह विशारद ने भी यही प्रेयर किया था कि हिंदुओं का जन्म स्थान है, हम लोग इसको मानते हैं। दी मार्केबल पॉइंट इज दैट डीटी वॉज नॉट इम्प्लीटेड इन द सूट ऑल्सो। पूरे उसमें उन्होंने मुसलमानों को बनाया पार्टी और बाय नेम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर स्टेट ऑफ यूपी जो भी हो सबको पार्टी बनाया। देन 26/1950 परमहंस रामचंद्र दास ने इंक्लूड सेक्शन 80 की नोटिस दिया और बिल्कुल इंजंक्शन सिंप्लिसिटन का कि हिंदुओं का जन्मस्थली है और इसकी हम लोग पूजा करते हैं विधि से प्रेयर। दोनों सूट चलते रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1959 निर्मोही अखाड़ा ने सूट फाइल किया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आफ्टर ए गैप ऑफ अबाउट 12 इयर्स, दो तीन दिन बाकी रह गया था, इन्होंने एक सूट फाइल किया डिक्लेरेशन ये सहसा बाबर की बनवाई हुई ये मस्जिद है और ये मुसलमानों को दिया है, उन्होंने वक्फ कर दिया स्वयं से। इन ऑल दी फोर सूट्स डीटी वाज नॉट ए पार्टी। सो द हिस्ट्री इज श्राउडेड इन मिस्ट्री बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट दैट फ्रॉम लॉन्ग टाइम बैक, इवन बिफोर दैट वी टॉक अबाउट ऑफ द मेजर राइट्स और फ्रिक्शन बिटवीन द कम्युनिटीज, दिस प्लेस वॉज सेंटर ऑफ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट between the two communities, Hindus and Muslims. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बार मैं पब्लिक बोल रहा हूँ।